ये मेरे लवली व्यूअर्स, कैसे हो आप सभी लोग। होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया हो। और आज का वीडियो में आप सभी लोगों को बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि आज के वीडियो में आप लोगों को माइनक्राफ्ट का एक वीडियो दिखाऊंगा। मतलब माइनक्राफ्ट का एक सर्डर के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ, जिस जो सर्डर जो है वो BNS सर्डर है। वो आप लोगों को माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन या बेडरॉक दोनों में ही काम करने वाला है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक करना, और चैनल पे नए विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके कुछ भी फेंक के सब्सक्राइब करो यार, और बगल में रहने वाला बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करके रखना, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का जो मेन वीडियो का टॉपिक है वो चीज़। और आप लोगों को BNS सर्डर का जो लिंक है वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताना। तो चलिए सबसे पहले BNS सर्वर जो है उसका पैक को मैं एक्टिव करता हूँ, और एक्टिव करने के बाद नया वर्ल्ड क्रिएट करता हूँ। और आप लोग देख सकते हो इधर मेरे को स्पॉन किया गया है, तो आप लोग ये नया वर्ल्ड पे भी एक्टिव कर सकते हो, और पुराना जो आप लोगों का वर्ल्ड रहेगा उसमें भी एक्टिव कर सकते हो, ठीक है, वो आप लोगों का मर्ज़ी। तो सबसे पहले इधर देखिए, ये जो जहाँ पर हमको स्पॉन किया गया है, ये जो जगह है ये ना बहुत ही ब्राइट लग रहा है। ऐसा नॉर्मल जो वर्ल्ड है उससे ज़्यादा ब्राइट इधर देखने को मिल रहा है हमको, ठीक है। तो सारे के सारे आप लोग ब्लॉक देखिए इधर कितना ब्राइट लग रहा है। और आप लोग इधर आसमान जो है इसको अगर नोटिस कीजिएगा तो इधर आप लोगों को एकदम से पूरा, मतलब जो रियल आसमान होता है ना उसी टाइप को देखने को मिल जाएगा। और आसमान पे जो सूरज है ना वो आप लोग अगर देखेंगे तो एकदम से जो वर्ल्ड के अंदर, मतलब ऐसे रियल वर्ल्ड में जो जैसा सूरज देखने को मिलता है, इधर भी सेम इस वर्ल्ड में देखने को मिलता है। और पानी के अंदर आप लोग जाएंगे, मतलब पानी के पूरा बीचों बीच जाएंगे तो ये कितना ब्राइट ही आप लोगों को देखने को मिलेगा, आप लोग बिलीव नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए यार इसके अंदर मैं दिखाता हूँ जाके। तो ये देखिए इधर मैंने आ गया हूँ, मतलब पानी के अंदर, और ये बहुत बढ़िया जो ब्राइटनेस जो है इसका ना, मतलब लाइट जो है ये बहुत ही कमाल का है, और बहुत ही ब्राइट ही आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलो इसके बाद देखते हैं। और अगर आप लोग सनसेट का टाइम में देखेंगे, नोटिस कीजिएगा, तो आप लोगों को ये चीज़ देखने को मिलेगा। आप लोग आसमान पे और ज़मीन पे थोड़ा सा देखिए, मतलब आसमान और आसमान का थोड़ा नीचे, इधर दो कलर इधर आप लोगों को देखने को मिल रहा है। आसमान जो पूरा है वो थोड़ा सा वाइट जो है वो दिख रहा है, और नीचे का जो कलर है सूरज का, मतलब एकदम सूरज जहाँ पे है वो थोड़ा सा ब्राउन कलर का आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। और ये धीरे धीरे जितना ढलते जाएंगे, मतलब सनसेट जितना होते रहेगा ये पूरा अंधेरा छा जाएगा, जैसे होता है दिन के टाइम से जब रात होता है जैसा होता है, ऐसा आप लोगों को इधर देखने को मिल जाएगा। और रात के टाइम में सबसे एक बढ़िया चीज़ जो है, रात के टाइम में आसमान जो होता है ना उसका पूरा, मतलब उसका पूरा हुलिया चेंज हो जाएगा, ठीक है। आप लोग इधर देखेंगे तो आप लोगों को नोटिस कीजिएगा तो आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये देखिए अगर आसमान ही है, और ये आसमान के बीच जो सनसेट हो रहा हो चुका है, और वो जो सनसेट के बाद का जो टाइम है, मतलब शाम का टाइम में जो चीज़ आप लोगों को जो रियल देखने को मिल रहा है इधर, और आप लोगों को रियल वर्ल्ड में भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो सबसे बड़ा और एक चीज़, इधर आप लोग अंधेरा हो चुका है, और अंधेरे के टाइम में इधर मून भी चांद भी आसमान में उग रहा है, तो उग चुका है, तो इधर आप लोगों को नोटिस कीजिएगा तो एकदम से रियल लगेगा जो चांद है, ठीक है गाइस। तो आप लोगों को ये जो सेटर है आप लोगों को कैसे लग रहा है और कैसे लगा है आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो चलिए आज यहाँ पे ख़त्म करते हैं, और नया और एक सेटर के साथ आप लोगों को अगले दिन पर मिल जाएगा, मतलब मैं मिलूंगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एवरीवन, एंड टेक केयर, एंड ऑल्सो सब लोग अच्छे से रहिएगा।